जैन साथियों, स्वागत है आपको आपकी यूट्यूब चैनल अनुप रॉय रॉय डिफेंस एकेडमी में। आज हम आपको वेस्ट बंगाल लेडी कांस्टेबल के लिए मैथमेटिक्स का एक चैप्टर है सिंप्लीफिकेशन। उस सिंप्लीफिकेशन में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो आने वाले 10 तारीख को जो एग्जाम होगा सेप्टेम्बर महीने में, उसमें जो आने वाले क्वेश्चन है उसको हम कराएंगे। तो देखते रहिए क्वेश्चन किस तरह के है। सिंप्लीफिकेशन में हम देखेंगे, सिंप्लीफिकेशन में जाने से पहले हम आपको बताएंगे वी बदमाश के बारे में। वी फॉर बार, इसमें बार का सिंबल है वी फॉर बार। जैसे जैसे सिंबल आएगा हम उसी हिसाब से पहले स्टेप में करते रहेंगे। अगर पहले बार का काम करेंगे वी फॉर ब्रैकेट, पहले छोटा ब्रैकेट, फिर मिडिल ब्रैकेट, फिर बड़ा ब्रैकेट, ब्रैकेट का काम करेंगे। ओ फॉर ऑफ मींस गुणा, डी फॉर डिवीजन भाग, एम फॉर मल्टीप्लिकेशन, ए फॉर एडिशन और एस फॉर सब्सट्रैक्शन। इस हिसाब से हम सिंप्लीफिकेशन को स्टेप बाय स्टेप करेंगे। तो सिंप्लीफिकेशन दे रखा है 1 डिवाइडेड बाय, तो हम इसको करेंगे 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय। इसका काम करेंगे तो 1/2 हो जाता है। इसके जो कैलकुलेशन है, अगर हम 1/1/2, 1/2 लिखना और 1 प्लस 1/2 लिखना, ये दोनों एक ही चीज है। इसका मतलब भी 3/2 है, इसका मतलब भी 2 LCM होगा, 2 प्लस 1 होगा, यानी कि 3/2 है। तो इस हिसाब से हम करेंगे, तो देखते हैं इसको लिखेंगे 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय। यहाँ पर होगा 1 प्लस 1, ये 2/3 हो जाएगा। ये 2/2, ये 2 LCM होगा, 3/2 2 3/2 हो जाएगा। नेक्स्ट है 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस, ये गुना हो जाएगा 1 प्लस 1 इनटू 1 इनटू 2/3 हो जाएगा। 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1, इसके साथ इसको गुना करना, 1 के साथ इसका गुना करना, तो 2/3 ही होगा। 2/3 होगा तो इसका गुना करने से सीधा हो जाएगा 5/3। नेक्स्ट है 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस, ये गुना हो जाएगा, 1 इंटू उल्टा हो जाएगा। जब जैसे गुना करेंगे तो इसका क्या होगा, उल्टा होगा, 3/5 हो जाएगा। तो 1 डिवाइडेड बाय, इसको गुणा करेंगे तो 5 × 5 = 3, 8/5 हो जाएगा। तो बराबर होता है 8 × 5/2, उल्टा हो जाएगा, इंटू करेंगे तो 5/8 हो जाएगा, यानी कि आंसर 5/8, ये इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन है 7921 का वर्गमूल निकालो। तो वर्गमूल निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक से कम 10 तक उसकी वर्ग पता होना चाहिए। 1 का वर्ग 2 है, 2 का वर्ग 4 है, 3 का वर्ग 9 है, इस तरह की। तो अभी हमें देखना यह है जे √7921 का वर्गमूल है। ये 1 किस किस में आता है, 2 संख्या का वर्गमूल में हमेशा 2 संख्या लेना पड़ता है पहले, और बाकी संख्या के लिए हमने अलग हिसाब किताब करेंगे। कैसे, 1 किस में आता है, 1 का वर्ग 1 होता है। देखो 1 में 1 आता है और 81 में 1 आएगा, यानी कि 9 का वर्ग में आएगा। 1 जो लास्ट संख्या, एक अंक 1 है, 1 या तो 1 में आएगा नहीं तो 9 में आएगा। तो यानी कि दोनों संख्या में ये दोनों में से 1 होगा, और बाकी संख्या जो 79 है, 79 हमारा इसमें आता है, 64 8 और 9 के बीच में आता है 79, यानी कि 8 का वर्ग हो जाता है। ये इसके लिए 8 8 64, यानी कि 8 लेंगे, और ये दोनों में कौन सा लेंगे, इसके लिए हमने क्या करना पड़ेगा, 8 का जो अगला संख्या है 9, इसको गुना करेंगे, तो 8 9 72। अगर 72 से ये बड़ा है तो हमने बड़ा संख्या लेना है, 89 इसका वर्ग है। हम एक और एग्जांपल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर एक और देखते हैं। ये 5184 का वर्गमूल कैसे निकालना, मान लो 2 शब्द के लिए 1 लेना है, 2 वर्ड है दोनों के लिए 1 लेना है, लास्ट संख्या 4, 4 किस में आता है, 4 देखो 2 में आता है और दूसरा 8 में आता है, क्योंकि हमें ध्यान रखना पड़ेगा ये दोनों जोड़ के 10 होना चाहिए। तो 8 8 64, इसमें 4 आ जाता है, तो 8 का वर्ग होता है।
ये दोनों शंका के लिए या तो 2 होगा या तो 8 होगा, कौन सा होगा पता कैसे लगेंगे वो बाद में करेंगे, लेकिन 51 का हमें पता है, 51 है, 7 7 49 इसके बीच में 51 है, तब छोटा वाला शंका लेंगे, 51 मतलब यानी कि 7 लेंगे, और इधर से जो है अगला शंका कैसे होगा, तो 7 का अगला शंका 8 है, तो 7 8 56 है, अगर ये छोटा है तो हम छोटा वाला लेंगे, तो ये वाला शंका छोटा है, तो 72 का वर्ग क्या होता है, ये वाला होता है 5 1 8 4 का वर्ग होता है, तो इस तरह के हमने वर्गमूल करेंगे। देखते हैं अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है, ये क्वेश्चन मार्क्स है इसके ऊपर रूट है +28 बराबर ये है, तो यानी कि क्वेश्चन मार्क के ऊपर रूट का वैल्यू क्या है ये पूछा गया है, तो इसमें हम क्या करेंगे, इसका वर्गमूल करेंगे, रूट सिक्स का वर्गमूल इस तरह का होगा, ये जो एक है एक किसमें आता है, या तो एक में आता है 9 9 81 9 में आता है, 9 के साथ 9 गुणा 81 81 में लास्ट एक अक्षों का एक आता है, तो हमने एक आता है, तो ये दोनों संख्या के लिए या तो ये लेंगे नहीं ये लेंगे, लेकिन अगला संख्या क्या है 16 16 किसकी वर्ग है 4 का वर्ग है, तो 4 हो जाएगा, और अगले ये दोनों में कौन सा होगा इसके लिए, तो 4 का अगला संख्या 5 है, 4 5 20 है, अगर 20 बड़ा है ये छोटा है तो छोटा वाला है लेंगे, 41 का वर्ग है ये है इसका वर्गमूल, अभी मैंने आपको सिखाया, तो इधर है रूट क्वेश्चन मार्क +28 इज इक्वल टू ये है, तो रूट क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू 41 -28 यानी कि रूट क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू है 13, 8 3 13 ये इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो क्वेश्चन है इस प्रकार दिखाई देता है, 6 प्लस 6 प्लस 6 प्लस यानी कि जो भी संख्या होगा इसके बाद प्लस प्लस अगर होता है और दूसरा इंफिनिटी तक होता है +6 +6 करके जाता है, तो हमने क्या करना है ये 6 संख्या को तोड़ देंगे, तो 3 के साथ 2 के साथ 3 को 3 2 6 हो जाता है, अगर ये प्लस है तो हमने बड़ा संख्या को लेना है, यानी कि इसकी आंसर 3 होगा। दोबारा ध्यान से सुनिए, जब किसी संख्या में प्लस 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 होता है और इंफिनिटी तक जाते हैं तो हमने क्या करना 6 को तोड़ना है, तो 2 3 6 होता है, 3 2 6 होता है, तो इसमें से जो बड़ा वाला संख्या है प्लस होने से हमने बड़ा वाला संख्या लेना है, उसी प्रकार यहाँ जो 12 है 12 माइनस 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 और इनफिनिटी तक है, तो इसको 3 और 4 से गुना करेंगे तो 12 हो जाता है, तो जो माइनस होने से क्या जो छोटा वाला संख्या वो लेंगे तो इसका आंसर भी 3 होता है, अगर प्लस है तो बड़े वाला संख्या लेंगे, माइनस होंगे तो छोटे वाला संख्या लेंगे, ये इसका आंसर है। नेक्स्ट, अगर इस तरह की क्वेश्चन आता है कोई प्लस या माइनस नहीं होता, केवल √5 √5 √5 √5 इनफिनिटी तक होता है, तो इसका आंसर होगा 5, और √x 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 ही होता है, इसमें प्लस माइनस कुछ नहीं होता और इनफिनिटी तक होता, तो ये भी इसका आंसर होगा यार। नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर ये देता है इनफिनिटी तक ना जाके प्लस माइनस ना होके प्लेन √6 √6 होता है तो क्या करना है, इस क्षेत्र में हमने 6 कितना बार है 1 2 3 4 5 5 बार है, तो 6 टू दी पावर 2 टू दी पावर 5 -1 / 2 टू दी पावर 5 ये करेंगे, यानी कि 6 √2 2 टू दी पावर 5 होता है 32 -1 / 32 यानी कि 6 टू दी पावर 31 / 32 ये होता है। सेम क्वेश्चन एक दिया 7 के पावर 4 बार है, आगे इन्फिनिटर में है, तो हमने क्या करना है इसका 7 के पावर में 2 टू दी पावर 4 -1 / 2 टू दी पावर 4 यानी कि हमने क्या करना है इसको 7 का होगा 2 टू दी पावर 4 मतलब 16 16 -1 / 2 टू दी 16 यानी कि 7 का पावर 15 / 16 15 / 16 ये होगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है सबका रूट दे रखा है, इस तरह की जो रूट होता है तो 1 225 होता है 15 का वर्ग है, और 15 के साथ जब इसको हम जोड़ेंगे तो होगा 169 169 13 का वर्ग है, और 13 के साथ जब हम इसको जोड़ देंगे तो होगा 121 121 11 का वर्ग है, 11 जब 25 के साथ जोड़ देंगे 25 + 11 तो यानी कि 36 होगा, 36 6 का वर्ग है, और 6 के साथ इसको जोड़ेंगे तो √16 हो जाएगा, 16 मतलब 4 इसका आंसर। मैं इसी क्वेश्चन को एक बार दोबारा दोहराएंगे देखिए कैसे होगा, √10
प्लस 25 प्लस 108 प्लस 154 प्लस 15। नेक्स्ट लाइन में है 10 प्लस 25 प्लस वो 108 प्लस, इसको जोड़ने से 169, और 169 वर्ग होगा 13 का। ये दोनों जोड़ने से होता है 169, 169 वर्ग होता है 13 का। फिर दोबारा देखेंगे वो 10 प्लस 25 प्लस ये दोनों को जोड़ने से हो जाता है 121। ये दोनों जोड़ने से होता है 121, और 110 वर्ग होता है 11। 121 11 का वर्ग है। 10 प्लस ये दोनों जोड़ने से सीधा हो जाता है 36, और 36 जो है 6 का वर्ग है। 10 प्लस 6 यानी कि रूट 16, रूट 16 चार का वर्ग है, चार इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है पॉइंट के ऊपर है। अगर यह 2 पॉइंट है, ये 4 पॉइंट है, तो इस पॉइंट को उठा के हमने और 2 जीरो देंगे तो ये भी पॉइंट उठ जाएगा, बराबर कर लेंगे। तो इसको हम लिख सकते हैं रूट 25 × 100/9, और इसको भी हम लिख सकते हैं ये पॉइंट जीरो, ये पॉइंट और ये पॉइंट उठा देंगे तो 9/36 बराबर होने से हम दोनों उठ जाएगा। तो इसके अलावा इसको हम कर सकते हैं 25 5 का वर्ग है, इसको हम लिख सकते हैं 5 × 10/3 × यहां लिख सकते हैं 3/6। तो इसके साथ इसको जब हम काटेंगे ये भी काट जाएगा, इसके साथ हो जाएगा 5 2 3 2 6 और 5 2 10, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं 25/3। 25/3 इसका आंसर, 25/3 इसका आंसर हो। क्वेश्चन दे रखा है इसका एक्स का वैल्यू क्या है, तो हम लिखेंगे 52/x इक्वल टू, ये 13 का वर्ग है और ये 17 का वर्ग है। तो हमने इसको इधर से करेंगे, 4 तरह इसे काटेंगे तो 4 हो जाएगा। तो x इक्वल टू 4 × 17, तो 4 × 17 और 4 7 8 8 2 4 4 16, x इक्वल टू 16, ये तो इसका आंसर। नेक्स्ट, नेक्स्ट है 8.73, 8.73, 8.73, 4.27, 4.27, 4.27 और 8. ये सॉल्व करना है, तो हमने इसको देखते ही ये लग रहा है ये फॉर्मूला है। इस फॉर्मूला के बेस पे करेंगे, अगर इसको हमने ए मान लेते, ए भी ए मान लेते, ए भी ए मान लेते, और ये बी मान लेते, ये बी मान लेते, तो क्या रूप होता है, तो ये होता है ए क्यू प्लस बी क्यू, और ए क्यू प्लस बी क्यू, और नीचे रहता है ए स्क्वायर प्लस माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इसका मतलब ये है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, नीचे है ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, यानी कि ए और ए काट जाएगा, रह जाता है ए प्लस बी। इसका मतलब ए मतलब हमने लिया 8.73 और प्लस बी मतलब है 4.27, इसका मतलब होता है 8 7, ये हो जाता है पढ़ो 13 13 आंसर है इसका। तो ये फॉर्मूला है, इसको ए ए ए है, ये बी है, ये बी है, ये बी है, तो हमने फॉर्मूला में पता होना चाहिए ए प्लस बी होल क्यू, मतलब ये फॉर्मूला आता है। सेम क्वेश्चन एक दूसरा है, इसको ए लेते हैं, ये भी ए, ए भी ए और ए बी, यानी कि ए मतलब होता है 7.5 और बी इज इक्वल टू 1 हो, तो हम इसको लिख सकते हैं ए प्लस बी का ए जो है क्यू है, ए क्यू प्लस बी 1, और नीचे होता है ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस 1, तो ये भी इसका हो जाता है। तो अगर हम इसको फॉर्मूला में करेंगे तो ए प्लस आपको ए माइनस प्लस 1 ए स्क्वायर प्लस बी मतलब 1 है, 1 ए माइनस 1 ए प्लस 1, और नीचे है ए स्क्वायर माइनस 1 ए प्लस 1, तो ये b मतलब होता है 1, b मतलब 1, तो इसका इसका काट जाएगा, रह जाता है a प्लस 1, a मतलब होता है 7.5 प्लस 1 यानी कि 8.5, ये इसका आंसर है।
कोई बी का मतलब वन है, तो उसी फॉर्मूला के हिसाब से हमने करेंगे। ये सिंप्लिसिटी का जो चीज है चैप्टर है, सिंप्लिसिटी का जो क्वेश्चन है, ये एक चैप्टर में पूरा नहीं आया, मैंने दूसरा लेसन फिर कराएंगे और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराएंगे जो कि एग्जाम में आएंगे। अगर मेरा वीडियो का अच्छा लगता है लाइक करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।